हेलो। और यहाँ फाइनल मैच के लिए दोनों ही टीम अपने अपने पोजीशन पर, मैं बात कर रहा हूँ उत्तरी छोर पर बीएसके कॉलेज बार हरबा की टीम और दक्षिणी छोर पर बटघुटू महेशपुर की टीम। और जितने भी आगे खड़े हैं दर्शक दीर्घाओं से रिक्वेस्ट रहेगी आप तीन चार पंक्ति बैठ जाएं सामने लहारे ना पे दुलू पे तो भी अने तयमरे आपे तयमरे से कम बार पे लाइन आपे दुलू लगी पे गुरमुटे जमो दुआ मैच को जेल लड़िया आडिया सांस होंगे तो कि कब फिसल सांस होंगे तो कि मैच दो है तो होपना कि ही जा फाइनल मैच ओका तो 3 लाख और 2.5 लाख ना दुआ मुकाबला हेलो। और जितने कमिटी के लड़के हैं एक बार ग्रुप में जो है आप ग्राउंड का निरीक्षण के लिए एक बार ग्रुप में निकलेंगे चारों ओर। कमिटी के जो लड़के हैं ग्रुप में लगभग 8-10 लड़के के ग्रुप में जो है एक बार ग्राउंड के निरीक्षण के लिए आप चारों ओर चले जाएं। और यहां दोनों ही टीम सरकार बहुत ही मजबूत टीम हो जाए। इन दोनों टीमों में कोई अनुभव की मजबूत टीमों को पराजित करके मात देकर के जो है आज फाइनल तक का सफर को इन्होंने तय किया है। और आखिर करके फाइनल के मैच में यहाँ आपसी फेसअप करते हुए और ट्रॉफी ले जाएगी ये देखना ये शेष होगा इस बचे हुए समय पर। इसी बीच यहाँ पर जैक्सन का शॉट लेकिन गेंद सीधे पोस्ट के ऊपर से निकलती हुई और दोनों ही टीम अपने टीम के मान सम्मान अपने टीम के हित में ये चाहेगी कि विनर प्राइज उनके टीम के हित में जाए। और इस 2022 के सीजन का जो खिताब है इस बादोली जली जो क्लब हाथीगढ़ का वो अपने टीम के हित में करे अपने टीम के मान सम्मान अपने टीम के इज्जत को यहाँ बरकरार रखने का प्रयास दोनों ही टीम बीएसके कॉलेज बरहरवा और यहाँ महेशपुर की टीम। कहते हैं ना मंदिर ना मस्जिद ना गंगा की धार करे ना मंदिर ना मस्जिद ना गंगा की धार करे वो घर ही मंदिर जैसी है जिसमें हर औलाद अपने माँ बाप का सम्मान करे। तो यहाँ पर बिल्कुल सम्मान की बात है अपने टीम की इज्जत की बात है अपने टीम के रेपुटेशन की बात है पहचान की बात है। आखिर करके इस ग्राउंड से कौन सा टीम अपने टीम के मान सम्मान को बरकरार रख पाने में सक्षम होंगे और कौन सा टीम यहाँ से विनर स्थान लेकर के कहीं ना कहीं टीम के प्रति मैं अपना 100% देने का प्रयास करूंगा और यहां से मैं अपने टीम को विनर बनाऊंगा। इसी बीच यहां पर साइमन का शॉट लेकिन वहां गेंद ब्लॉक होता हुआ सगराम बेसरा के द्वारा। कहा गया है कि ना पूछो मेरी मंजिल कहां है ना पूछो मेरी मंजिल किसी से नहीं खुद से वादा किया है तो वादा कर लिया है अभी निभाने की जरूरत है लेकिन गेंद पोस्ट से बाहर जाता हुआ और साथ ही साथ बीएसके कॉलेज टीम के लिए स्पेशल ऑफर आता हुआ बीएसके कॉलेज के जो टीम के कोच है शंकर दा के द्वारा
बीएसके टीम से जो भी पहला गोल लागेंगे उस प्लेयर्स को 500 रुपया से सम्मानित किया जा रहा है और ये स्पेशल पुरस्कार रखा गया। और साथ ही साथ यहाँ पर हमारे जो है रोशनदा के द्वारा 1000 रुपया का प्राइज बनी स्पॉन्सर राशि आती हुई इस मैच में दोनों टीम्स के लिए। जो भी टीम के प्लेयर्स पहला गोल दागने में सक्षम होंगे फर्स्ट गोल दागने वाले प्लेयर्स को मिलेगी। भाई भाई थे आबुरेन टूर्नामेंट मुख्य संयोजक सुनील टुडू सासुंगे तेरवा टूर्नामेंट राम हेम्ब्रम और सासुंगे तेरवा बादोली जली जो क्लब रेन सनाम कमिटी कुड़ा को नोने ग्रुपिंग रे नोवा फील्ड ना निरीक्षण लगी कुछ चला करा और सासुंगे तेर नुकुवा इमाइमाइन सरहाव को अरे ना सुंदर आयोजन इंतेर नोवा कोई क्षेत्र रे पाकुड़ क्षेत्र रे जो तो खोन लटू टूर्नामेंट ना सुंदर को आयोजन का नोडेना स्टैंडर्ड नोडेना डिसिप्लिन ने मोच को मेंटेन का होना इते सनाम कमिटी कोड़ा को आई माई मास्टर हाउ कुछ आलोचना हुआ और नुका की आसपुन दो हजार जमन हजुम कान 2023 ना साल रहो नुकवा कुरुमुटो निंका की तहन और नुवा खोन हो जमन और बेहतर तरीके से नुवा टूर्नामेंट को आयोजन दरिया अदर नुवा टूर्नामेंट सफल करा और नोडेकोन सग्राम नोडेकोन थ्रोइंग बॉल लिए था महेशपुर टीम से खोन अटी सुंदर शॉट और इन सपोर्टिंग लगी जर्सी नंबर 8 कलीन के द्वारा यहां पर पहला गोल की तैयारी की जा रही है। सुंदर क्रॉस करने का प्रयास लेकिन उमेश सोरेन ने गेंद को रोक लिया और यहां से गेंद पुनः कलीन के लिए। कलीन क्या वहां गेंद को कंट्रोल कर पाएंगे? जी हां, गेंद को कनेक्ट करने के बाद सुंदर क्रॉस आएगा लेकिन राइट प्लेइंग के क्षेत्र से जो प्लेयर्स खेल रहे हैं विजय सोरेन वो थोड़ा सा डीप में चले गए अंदर चले गए जिसके कारण गेंद को कंट्रोल नहीं कर पाए कनेक्ट नहीं कर पाए विजय। यहां से थ्रोइंग लेते हुए इस बार मंगल हंसदा और वहां पर रॉन्ग तरीके से उनको छिड़ने का प्रयास किया और एक फ्री की कंसिड करते हुए इस बार महेशपुर की टीम रोशन दला की ओर से जबरदस्त और यहां से जो है बेस के टीम के लिए स्पेशल 500 रुपया का पुरस्कार है। शंकर जी के हुए दरवाजा को और जो है इनको खोलने का प्रयास करेंगे कब तक यहां पर खोल पाएंगे अपने किस्मत के दरवाजे को और पहला गोल देकर के अपना टीम को मजबूती प्रदान करेंगे दोनों ही टीम। क्योंकि खूबसूरत सा कहावत में कहा गया है कि पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है निकले हुए सूरज को ढलने में वक्त लगता है। पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है निकले हुए सूरज को ढलने में वक्त लगता है। थोड़ा प्रयास कर मेरे दोस्त और थोड़ा जोर लगाता रह कहे कि किस्मत के जंग लगे हुए दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है तो आपको और ज्यादा प्रयास करने की जरूरत है। तो यहाँ पर इसी बीच एक सुंदर शॉट जैक्सन मुर्मू इतना बेहतरीन ऑन टारगेट शॉट लेकिन गेंद को ब्लॉक करने में सक्षम होते हुए चांद मुर्मू बेस के कॉलेज के गोलकीपर। इसी बीच राजेंद्र किस्कू महेशपुर टीम से लेकिन नोमेंस के क्षेत्र में गेंद हालांकि वहां ओपोनेंट टीम ने और इसी बीच यहां पर लाइसन टुडू डीप में घुसते हुए समीर को दिए हैं और ये गेंद बहुत बहुत धन्यवाद समीर बेसरा। और वाकई में जिस नाम से जाने जाते हैं अपना छाप फाइनल जैसे महत्वपूर्ण मैच में छोड़ करके गए हैं और यहाँ फाइनल में गोल देकर के ये अपना जो रेपुटेशन है जो पहचान है वो और ज्यादा बेहतर बनाए क्योंकि यहाँ हर जगह से दर्शक आए हुए हैं हर क्षेत्र से हर जिले से। तो कहीं ना कहीं फाइनल जैसे मैच में गोल लगना ये टीम का भी जो है प्लेयर्स को कोच भी करते हैं ये खिलाड़ी तो इतना उनमें हुनर है इतना गुण है और मैं इसका दाग देता हूँ धन्यवाद करता हूँ समीर के इस दिन वापसी आना
इसलिए मैं कहूंगा कि जीत के खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। जीत के खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी जमी पर आ जाएगा मेरे दोस्त, बस इरादों में जीत की गुण चाहिए। अगर आपका इरादा मजबूत है तो हर एक संभव काम को संभव में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी बीच जैक्सन भटवाहा साइमन जलसे नंबर 12, देखने में छोटे लगते हैं लेकिन यहाँ पर कुछ कारनामा करके दिखाने का प्रयास, लेकिन आखिरी समय उस सफर को जब तक आप उस दूरी को तय नहीं कर जाते हैं तब तक आप हर एक मुश्किलों से लड़ते रहे तो कहीं ना कहीं आखिरी समय तक उसका परिणाम आपके हाथ में होगा। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ द फ्रूट ऑफ हार्ड वर्क इज स्वीट, कठिन परिश्रम का फल सदैव मीठा होता है। और इसी बीच अब और श्रीकांत सोरेन दूसरे गोल की तैयारी में, लंबा डिस्टेंस से कीपर को टेस्ट किया लेकिन इस बार ढीला शॉट श्रीकांत सोरेन का। मैच इस टाइम हो और मजबूत टीम का टाइम बैन खान कब तक वह मैच रे वापसी धड़िया खड़ा वह मैच रे बराबरी लगी थे जरूर या नहीं तो लगती या मीठे महत्वपूर्ण गोल नोडे खान हौसला बुलंद बीएसके कॉलेज टीम। लेकिन कब तक यहां पर जो है इंसान एक बार गलती करने के बाद दोबारा वो गलती नहीं करता है, क्योंकि वो खुद उनको पता चल जाता है कि दूसरे गोल की तैयारी में बीएसके कॉलेज की टीम, लेकिन वहां एक लेट चैलेंज करने का प्रयास। नोडे खान शॉट लगी जर्सी नंबर 10 श्रीकांत सोरेन नई खिलाड़ी कहीं ना कहीं आया टीम लगी मीठे विश्वासी खिलाड़ी कनाई अच्छा शॉट बैन खान बॉल उन्हें खोन कहीं ना कहीं महेशपुर टीम होना बोले क्लियर लहा किधर अच्छा पास उन्हें खोन लाइसन डुडू लगी लाइसन शॉट बैन खान बॉल ऑफ टारगेट रहे। तो मैं जिस प्रकार से कह रहा था कि इंसान को ढलना सिखाती है इस समय परवाने को जलना सिखाती है, शाम सूरज को ढलना सिखाती है समा परवाने को जलना सिखाती है। दुनिया में लोगों को होती तो है तकलीफें मगर ठोकरे ही इंसान को चलना सिखाती है। तो यहाँ से बिल्कुल इनको सीख मिल जाना चाहिए और मैच में वापसी आने के लिए जी जान लगा देना चाहिए। इसी बीच यहाँ पर गेंद पोजीशन और एक बार जर्सी नंबर 2 महेशपुर टीम जूनस के कब्जे में, जूनस ने जैक्सन मुर्मू को खेला है। जैक्सन का क्या सुंदर ड्रिबलिंग अच्छा पास हीरा हेमरम, हीरा हेमरम ने विजय सोरेन को दिया है, विजय का खराब कनेक्शन। और इसी बीच गेंद गोलकीपर चांद मुर्मू के लिए उतना सुरक्षित स्कोर नहीं मानी जाती है। एक गोल को कभी भी वापसी किया जा सकता है, प्ले उनका इशारा है खतरा हो सकता है लेकिन कलीन वहां पर गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए। महेशपुर टीम हालांकि 1-0 से पीछे जरूर है लेकिन खेल में किसी भी प्रकार का कोई कमी नहीं है, अच्छा खेल रहे हैं महेशपुर टीम। अच्छा शॉट गेंद जाएगी गोल लाइन से बाहर और यहां से डायरेक्शन कॉर्नर का शॉट और बेहतरीन हेडिंग बैन खान इनर्ट की गोल कीपर उन्हें राजेन सुरक्षित या ग्लव्स रे साफिदा के द्वारा होना चाहिए क्योंकि बिना प्लानिंग के या बिना रणनीति के कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। इसी बीच कॉर्नेल का शॉट होगा लेकिन ये शॉट बेकार या था हुआ जिसमें है 24 फीट का चौड़ाई है फ्रेम, इसमें कम से कम आप प्रयास करें कि एक सटीक निशाना लगे। मेडिकल टीम वहां चले जाए मेडिकल टीम और चलिए नॉर्मल है मत जाइए और लगभग सफलों का कार्य बना। नुआ गोल किक तुलई चांद मुर्मू अड्डे सुंदर शॉट हालांकि उन्होंने खोन श्रीकांत बैक पास लाइसन लगी लाइसन तो समीर एमाओ को दिया स्किल स्टार समीर दो लाइसन लगी लाइसन दो श्रीकांत का तिया मेंते बैन खान उन्होंने खोन हपोंटा डी मोच ना बोले क्लियर लहा किया जैक्सन और साइमन लगी बैन खान उन्होंने खोन सही कनेक्शन मांगता है कना सही पासिंग एक्यूरेसी मांगता है कना आनी धाव राजेश वरंडी जर्सी नंबर 4 बीएसके कॉलेज टीम अच्छा क्रॉस है जो अप्रधान सोरेना क्षेत्र रे बॉल बैन खान लेफ्ट साइड ना फुल बैक खोन हपोंटा डी बजे उड़ का बॉल थी कम समय शेष रह गया है इसीलिए यहाँ जो हमारे अतिथि के रूप में
मंच पर मंचासीन है। मैं बारी बारी से प्रयास करूंगा हर एक अतिथियों को मैं एक दो शब्द रखने के लिए यहाँ पर मौका दूं। और ये फर्स्ट आपका लगभग अंतिम चरण का मैच चल रहा है, तो यहाँ पर मैं पहले वक्ता के रूप में एक दो शब्द से मरणी जी और नवा मंच रे को दोनों बकान न्यूमिका जिला कमिटी के उपाध्यक्ष समाज अली जी आयोजन अयोल जी और जो तो झारखंड मुक्ति मोर्चा रेन जो तो प्रखंड से लेके पंचायत तो आर नोडे नुआ फुटबॉल एने यहाँ पर शहर से सेठेर कर जो तो दर्शक गण को इसे टीम रिया गेम निकाल नोडे को सजाओ सपड़ाओ कदा और लाख भाग अटी ढेर हर को जरवाओ कना नुआ तेना फुटबॉल एने ये लगे अब इन मेरा तेहन अब तो नुआ एने होते थे आईमा लिखाना अखिल बुन हसीलदार हुआ और तिहीन बुन पढ़ाई गया उका दो और बुन रस्कर गला जे चालावेन दिन रे उका दो नोड़े